चलो अब देखते हैं लेक्चर फाइव फॉरवर्ड। वेक्टर्स का। 5 है बच्चे, 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अच्छा चलो अब देखते हैं कि लेक्चर 5 वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर ए वेक्टर दे रखा है i+2j+3k और बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i-j+k, सबको वो तो निकालना आता होता है ना डिटरमिनेंट। तो ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर पहले है बी वेक्टर बाद में, इसको ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ i j k, और यहाँ पे 1 2 3, 2 -1 1। कोई डाउट है बच्चे? विधि नहीं सर। बोलोगे? चलो अब ये देखो, ए पहले है और बी बाद में है। यहाँ पे ए पहले, आई वेक्टर के साथ क्या आया हमारा 2+3 5, -j के साथ क्या आया आपका 1 -6, प्लस के वेक्टर के साथ क्या आया -1 -2। तो दिस इज इक्वलेंट टू 5i-5j -5k। कोई डाउट है किसी को? विधि डाउट तो नहीं है? नो सर। दिस इज कॉल्ड एज ए क्रॉस, ठीक है, प्लस फाइव ए प्लस, अच्छा प्लस फाइव, ठीक है। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है वो चीज देखनी है, इम्पोर्टेंट। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, अगर मैंने बोला लेट अस सपोज कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? क्या होता है विधि बच्चे? ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन समझ आई? यस सर। अच्छा, इस पी पॉइंट पे टिप रख दो पेन की, ठीक है, और उसको घुमाओ ए से बी की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। तो पेन की डायरेक्शन कहाँ पे, अगर स्क्रू होगा तो ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? प्लस के तरफ ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, ये बात समझ आ गई। पी पॉइंट पे स्क्रू रखो, ए से बी की तरफ उसे घुमाओ तो बाहर खुलेगा। तो दैट मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है आउटवर्ड ऑफ दी प्लेन, अभी ये है ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अगर मैं बोलता विधि बी क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है? बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन क्या आती? बी से ए की तरफ पी पॉइंट पे पेन रखो और बी से ए की तरफ जाएंगे तो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? अंदर तो इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बात समझ आ गई? सर, ये हम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, और ये बात जो बोली है वो सेम। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? -b x a के बराबर, क्योंकि एक की डायरेक्शन ऊपर है एक की डायरेक्शन नीचे है, 180 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू -b x a होता है। कोई डाउट है विधि? नो सर। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हम बोलते हैं, अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अच्छा निहारिका, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है 2i+j+k और वेक्टर बी की वैल्यू है i+j+k, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अब ए क्रॉस बी पहले निकाल लें, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? आई जे और के, और यहाँ पे ए पहले क्या है 2 1 1 और वन वन वन, वन वन आई के साथ क्या आया? आई के साथ क्या आया? 0। जे के साथ जी माइनस जे के साथ क्या आया? जे के साथ क्या आया? 1। वन और के साथ क्या आया आपका? जे के साथ 1 आया, के वन साथ भी आपका 1, सही है। तो दिस इज वन इक्वल टू 0i-j+k, ये यस बात क्लियर है ए क्रॉस बी की? यस सर।
अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूले ऊपर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जल्दी बता दो। रूट टू। जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज रूट टू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है जल्दी बोलो सर। रूट फाइव। रूट सिक्स। रूट सिक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है रूट थ्री। तो साइन थीटा कितना आ गया रूट टू वन बाई थ्री आ गया सर। यस। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक जना बोलेगा मेरे पास ये कहता है सम्यक। यस सर। ये वन वन टू है, ये टू वन थ्री है और ये थ्री वन माइनस वन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ए। वी हैव टू फाइंड एंगल ए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यूजिंग क्रॉस एंड एसी। यूजिंग क्रॉस ए बी वेक्टर निकाल लो, क्या आएगा ए बी वेक्टर, क्या आएगा जल्दी बोलो सर। आई कैप प्लस के कैप। जीरो जे प्लस के। और ए सी वेक्टर क्या आएगा जल्दी बताओ। टू आई कैप माइनस थ्री के कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस थ्री के। अच्छा चलो, अब ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा। आई जे के डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। वन जीरो वन टू जीरो माइनस जीरो माइनस। तो आई के साथ कितना आया, आई के साथ जीरो आ गया। जे के साथ कितना आया माइनस फाइव। माइनस फाइव। और के साथ कितना आया छह जीरो। यस सर। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड कितना आया बताओगे। फाइव जे क्या। फाइव ही आया। यस सर। सही है। अब ए बी क्रॉस इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है। ए बी का मैग्नीट्यूड रूट टू। रूट टू। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट थर्टीन इंटू साइन ए। साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाय रूट ट्वेंटी। फाइव बाय रूट ट्वेंटी सिक्स। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो ये तो हो गया, हमने थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में किया। अब थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। देखो बच्चे क्या होता है, बोलेगा श्रुतिका श्रुतिका। यस सर। श्रुतिका बच्चे आप कुछ फॉर्मूले हैं जो नोट करने लायक हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है। हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या बोला मैंने। हाफ ए बी क्रॉस और हाफ एक पॉइंट कॉमन रखो बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड या हाफ सी ए क्रॉस सी बी। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दूसरी बात हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, या हम अगर दो साइड दे रखी हैं, जैसे अगर इसमें लाइन वेक्टर दे रखे होते तो इसका एरिया होता हाफ ए क्रॉस बी ट्रायंगल का। ठीक है, या दो साइड्स कोई भी दे रखी होती है हाफ ए क्रॉस। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी और साइड वेक्टर की टर्म्स में भी ए बी सी डी। अगर आपको इसमें ये वेक्टर ए दे रखा है और ये वेक्टर बी दे रखा है, दो एडजेसेंट साइड दे रखी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये होता है अगर लाइन वेक्टर की टर्म्स, किसकी टर्म्स है लाइन वेक्टर की। लाइन वेक्टर्स। ठीक है, अब अगर आपको ए बी सी डी की टर्म्स में चाहिए तो ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड या और बी सी क्रॉस सी डी का मैग्नीट्यूड। बात समझ आएगी? एक पॉइंट कॉमन रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे सी कॉमन है यहाँ पे बी कॉमन है, तो ये ध्यान रखना। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ये समझ आ गया? यस सर। ए बी बी सी इक्वल बी सी सी डी है ना। ए बी बी सी किस किस के, ए बी बी सी के बाद क्या लिखा है सर। ए बी क्रॉस बी सी और बी सी क्रॉस सी डी। और ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। अगर ये डायगोनल वेक्टर है डी वन और ये है डी टू, ये कौन सा है डी वन वेक्टर और ये कौन सा है डी टू वेक्टर। ठीक है, तो प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ डी वन क्रॉस डी टू। कोई डाउट है किसी को? नो सर। श्रुतिका कोई डाउट है हाफ डी वन क्रॉस डी टू में? अब प्रूफ करना है।
अगर डी वन क्रॉस डी टू का मैग्नीट्यूड इनटू हाफ इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा व्हाट इज डी वन वेक्टर बताओगे? डी वन वेक्टर क्या होता है पैरेललोग्राम की? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। और व्हाट इज डी टू वेक्टर? माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई बात नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लो, उल्टा सीधा हो सकता है। हाफ मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। बताओ क्या आएगा? आई कैप जे कैप दे देंगे। नहीं नहीं, ए क्रॉस ए आएगा, बी क्रॉस ए आएगा, बी क्रॉस बी ए आएगा, माइनस ए क्रॉस बी आएगा और माइनस बी क्रॉस बी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ए और ए वेक्टर के बीच में? जीरो डिग्री का। तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ये आंसर क्या आएगा? ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री का है। तो अब ये बचा हाफ ऑफ बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी, यही बना ना? यस सर। तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है कि नहीं होता? यस सर। टू बी क्रॉस ए, टू से टू कट गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख लो चाहे बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, बात तो एक ही होगी। यस सर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूले बता दो जल्दी से, कौन कौन से होते हैं? हाफ ऑफ डी वन इन क्रॉस डी टू मतलब डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, और ए क्रॉस बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलो ये बात क्लियर है ना? यस सर। चलो अब एक बार जल्दी से बोलेंगे, मैं एक एक वो लिख रहा हूँ ए बी सी और डी, इसके हैं 1 3 1, इसके हैं 2 4 2 और इसके हैं 3 -1 और 4। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। एक बी ए वेक्टर बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। बी ए वेक्टर तो 1 -2 i कैप, 3 -4 j कैप और 1 बी ए माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है? माइनस के कैप। यस सर। और बी सी वेक्टर क्या है? बी सी वेक्टर मतलब सी माइनस ए, 3 -2 i कैप तो जल्दी से बताओ आई जे के -1 -1 -1 1 -5 और 2, कोई डाउट है? नो सर। आई के साथ क्या आया? -2 -5 -7 -j के साथ क्या आया? -2 -+1 -1 और k के साथ क्या आया? 5 + 1 6, कोई डाउट है? नो सर। -7i + j + 6k, ठीक है? अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 7² + 1² + 6, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना जो भी आ जाए कैलकुलेशन कर लोगे? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, बोलेगा क्या होता है, मल्लिका। यस सर। मल्लिका क्वेश्चन है कि ये मेरे को है ना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है वेक्टर? अच्छा ये बताओ ए क्रॉस बी से क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फॉर्मूला नहीं थी, ए क्रॉस बी से डायरेक्शन क्या आती है? आउटवर्ड। आउटवर्ड या इनवर्ड जो भी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, हाँ या ना? यस सर। होती है। तो ए क्रॉस बी गिव्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल इट गिव?
बताओ मल्लिका। यस सर। ए क्रॉस बी से क्या आया? परपेंडिकुलर। एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड, ये बात क्लियर है? यस सर। और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो व्हाट ए नाउ दिस बिकम्स यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड। समझ आ गई बात? अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, सही है, कर लोगे? चलो अब ये देखो, ए वेक्टर दे रखा है, मल्लिका तुम ही बोलोगे आई प्लस टू जे प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है आई माइनस जे प्लस थ्री के, ठीक है। और ये एक जी कहता है वो बोला है, एक सी वेक्टर दे रखा है आपको टू आई प्लस जे प्लस के, ये हमने पिछली बार भी किया था क्वेश्चन, बट इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड एंड हुज डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इज इक्वल टू 10, ठीक है? यस सर। क्या बोला है क्वेश्चन, रिपीट करो जल्दी से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी इट इज 10। और हमें क्या निकालना, फाइंड अ वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, और डी डॉट सी कितना दे रखा है? 10। चलो अब डी वेक्टर को हम मान सकते हैं ए क्रॉस बी, डायरेक्शन सेम होगी, लैम्डा ए क्रॉस बी, कोई डाउट है? नो सर। तो पर क्योंकि इससे परपेंडिकुलर आएगा, हम लिखते हैं लैम्डा इंटू आई जे के, और यहाँ पे 1 2 1 1 माइनस 1 3, तो लैम्डा इंटू 6 माइनस प्लस 1 7 माइनस जे इंटू ये कितना आ गया 3 माइनस 1 2, और के इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस, तो ये आ गया 7i माइनस 2j माइनस 3k इंटू लैम्डा, ठीक है, ये आ गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा ये डी वेक्टर, इसका डॉट सी के साथ कितना दे रखा है? 10। तो हम क्या लिखे, 7 लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा और -3 लैम्डा इज इक्वल टू 10, कोई डाउट? नो सर। 14 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 10, लैम्डा इक्वल टू 10/9, कोई डाउट? नो सर। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू 10/9 इनटू ये जो वेक्टर आया था 7i माइनस 2j माइनस 3k, कोई डाउट है बच्चे तो बोल दो। नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोलेंगे इसी पे। ऋषि राज, चलो बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, आवाज आ रही है मेरी पूरी? हाँ आ रही है। अगर ए वेक्टर गिवन है आपको आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? ऋषिराज। यस सर। चलो अब डी वेक्टर जो है ए और बी का क्या, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट, कोई डाउट? नहीं सर। चलो अब एक चीज देखते हैं ढंग से, तो डी वेक्टर मानेंगे क्या हम? लैम्डा इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो व्हाट इज लैम्डा आई जे के, और यहाँ पे 1 2 3 2 माइनस 1 1, जल्दी बोलो लैम्डा के साथ क्या आया?
5y सर i कैप इनटू 1 इनटू 2 माइनस 3 इनटू माइनस 1 माइनस 5 g कैप प्लस k इनटू ये आ गया माइनस 5 तो ये आ गया आपका लैम्डा इनटू 5y प्लस 5j माइनस 5k ये आ गया आपका आपका d वेक्टर नाउ इट इज गिवन दैट d का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 तो यानी ये आएगा 5 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का 10 आ गया तो यहां पे आ गया 75 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/√3 तो आपका जो वेक्टर हो गया वो हो गया प्लस माइनस 2/√3 इनटू 5y माइनस प्लस 5j माइनस 5 कोई डाउट है रे सिराज नो सर चलो अच्छा अब मेरे को प्रूफ करना है ए बी और सी श्रुतिका यस सर बच्चा आवाज आ रही है अच्छा चलो ठीक है ए बी सी ए बी सी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस क्वेश्चन समझ आ गया यस और नो यस सर अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या फॉर्मूला जल्दी बोलो आप पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में ए बी वेक्टर मतलब एक वेक्टर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए बी वेक्टर क्या है जल्दी बताओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ये बात समझ आ गई सी वेक्टर माइनस यस सर ये बात समझ आ गई आप जल्दी से बोलो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस ए और प्लस ए क्रॉस ए कोई डाउट है बच्चे नो सर अच्छा अब ये कहता है ए क्रॉस ए क्या होगा जीरो तो माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिखते हैं हाफ माइनस बी क्रॉस ए को लिखते हैं ए क्रॉस बी प्लस में कर दिया यस और फिर आ गया बी क्रॉस सी और तीसरा क्या आ गया प्लस सी क्रॉस ए कोई डाउट है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करने में अच्छा अब दूसरा पार्ट है इफ AD is altitude. AD क्या दे रखा है? Altitude. Then prove that altitude की length जो है AD की length जो होगी वो होगी A cross B plus B cross C plus C cross A divided by vector B minus vector C का मैग क्वेश्चन में कोई डाउट है? No sir. अच्छा श्रुतिका अभी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया वो कितना आया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी की लेंथ इनटू एडी की लेंथ ये बात समझ आ रही है यस सर हाफ से हाफ कट गया बीसी की लेंथ को यहां पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू बी सी माइनस बी चाहे बी माइनस सी लिखो मॉड हो गया एडी वेक्टर समझ आ गया यस सर कोई डाउट है नो सर चलो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं कैसे करना है हमने यहां तक बात समझ आई है यस और नो यस सर कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का नो सर चलो मैं एक बारी कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ होमवर्क कितना देना मैंने बच्चे वैसे तो क्वेश्चन सारे दे सकते हैं एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और चलो ऐसा करो लेट यू ट्राई ऑल कि आप सारे के सारे ट्राई करो टोटल 38 क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में 38 क्वेश्चन
ठीक है, वो आप ट्राई करो उसके बाद देखते हैं। अच्छा आप एक बार ये ना लास्ट क्लास के डाउट्स बोल दो, क्या डाउट्स है मुकुल? हाँ सर, सर एक तो क्वेश्चन सेकंड था बच्चे, मेरे को फोटो चाहिए होंगी उसकी डाउट की। हाँ मैं भेजता हूँ सर, गूगल भेजता हूँ मैं, एक मिनट रुको। कौन सी एक्सरसाइज थी सर? 24.2। अच्छा 24.2। अच्छा पहले तो एक विधि ने भेजा हुआ है, तो तुम भी फोटो भेज दो। हाँ सर, को प्लानर प्रूफ करने अगर चार नहीं भेज दो। अच्छा जैसे भी तुम्हारे को सही लगता है वैसे। विधि का क्वेश्चन ये है, अगर चार वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी डी और डी, ये चार वेक्टर्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी। विधि तुम ही बोलो, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यही है ना विधि? यस सर। प्लस c वेक्टर माइनस 2d वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा कोप्लानर प्रूफ करना है, सही है बच्चे? ये देखो एक बार थोड़ा सा 3D फिगर देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कोप्लानर होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो होंगे। अगर ये मैं बोलता हूँ हवा में, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर हवा में, ठीक है, तो ये दोनों टच नहीं कर रहे, दोनों के बीच में कुछ गैप, सही है, तो ये कोप्लानर होंगे? नहीं, ठीक है। अगर इसका मतलब, अगर इफ द वेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग दैट मींस दे आर, बोलो, कोप्लानर। हाँ अगर इंटरसेक्टिंग, अब ये देखो विधि एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना, 3a वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 2b प्लस 2d है, यस सर। 3a वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय 4 कर दो और 2b वेक्टर प्लस 2d वेक्टर डिवाइड बाय 4 कर दो, ये बात समझ आई? Yes, ये a वेक्टर ले लिया और ये c वेक्टर ले लिया, a वेक्टर और c वेक्टर का और b वेक्टर और d वेक्टर का, यानी a वेक्टर और c वेक्टर का रेशियो अगर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के, ये 1:3 का रेशियो होगा और ये 1:1 का रेशियो होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो ये पॉइंट p पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन द वेक्टर्स आर कोप्लानर। एनी डाउट बच्चे? मतलब तो यही है, आप एक बार ट्राई करके देख लो, आप समझ आ जाए, ठीक है? पर सर इसको और कोई कंडीशन भी बन सकती है, रेशियो अगर कुछ और आ जाए तो? नहीं रेशियो कुछ भी आ जाए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोप्लानर। पर सर क्वेश्चन में लिखा तभी होंगे जब ये है, तभी होंगे, ये हमेशा के लिए जरूरी नहीं है, वो तो कोई भी रेशियो हो तब भी कोप्लानर हो सकते हैं, जो आप वो बोल रहे हैं ना इफ एंड ओनली इफ, ये नहीं होता। यस सर, ठीक है, ये कोप्लानर है इससे ये प्रूफ हो रहा है। ओके सर, ठीक है। अच्छा अब कौन सा भेजा है मुकुल, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन। हाँ सर, इफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रॉम्ब। बच्चे ये बता, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं Each other at right angle, हमें क्या प्रूफ करना है? सर वो रोम्बस हो। चलो तो अब बताओ कैसे प्रूफ करना है, जल्दी बता, रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना है तुम्हें? सर साइड्स इक्वल कर देंगे। चलो अब यानी आपके अगर ये कोऑर्डिनेट सी लिख देता हूँ और ये डी लिख देता हूँ और ये बी लिख देता हूँ और ये ए लिख देता हूँ, तो अच्छा, आपका ये ए प्लस सी कितना हो गया? जीरो। A plus C zero. कैसे सर? O को origin ले लिया ना? हाँ ठीक है सर। B plus D by 2 B plus D by 2 zero. ये बात समझ आ गई? आ गई सर। तो अब ये देखो, वेक्टर A is equal to minus वेक्टर C आया, वेक्टर B is equal to minus वेक्टर D आया, इतनी तो बात में कोई डाउट नहीं होगा? नहीं सर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, वॉट इज मेरे को गिव, और क्या गिवन है? और गिवन ये है ए सी डॉट बी डी इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? यस सर।
और या तो ये भी बोल सकते हो b डॉट c इज इक्वल टू जीरो, डॉट c इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ओ सी डॉट ओ बी इक्वल टू जीरो, या डी डॉट ए भी जीरो है, गिवन है। हाँ सर, चलो ये दोनों बातें क्लियर है अभी तक जो गिवन है। यस सर। अब आप मेरे को बताओ बीसी की लेंथ कितनी है? बीसी की, हाँ बीसी की लेंथ कितनी है? रूट सी स्क्वायर माइनस बी मॉड सी माइनस बी, रूट सी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी डॉट सी। तो ये हो गया रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। और ए बी की लेंथ बोल दो कितनी आई? सर वो हो जाएगा, सही है माइनस, यस सर, ए डॉट बी भी जीरो ही होगा, ए डॉट बी भी जीरो ही है ना, क्योंकि एंगल 90। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? डी स्क्वायर के, डी स्क्वायर को बी स्क्वायर को ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये लेंथ बराबर हो गई। यस सर। और बी सी और ए डी सेम है, ये बात समझ आ गई है, कर लोगे? हाँ सर आ गई। यस सर। और कौन सा डाउट है बच्चे? सर फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्ब। तो इसमें क्या दिक्कत है सर? समझ नहीं आया तो कैसे करूं? मिड पॉइंट को जॉइन कर लो, ये प्रूव करना है रोम्ब, बताओ कैसे करोगे? इसके अंदर भी वही कर लेंगे साइड से कॉल। मान लो बच्चे अभी ट्राई तो किया नहीं ये वाला ढंग से, मेरे को लगता है ट्राई करने की जरूरत ज्यादा है सर, तो फिफ्थ में फिर से ट्राई कर लूंगा। बच्चे अभी है ना, मेरे को लगता है दो चार बार अभी ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके, नहीं तो ऐसे ऐसे पूछने का फायदा। यस क्या और बच्चे? अच्छा मुकुल होमवर्क सबने नहीं भेजा था आज? सर एक तो मैंने भेज दिया था, एक मोहित का आया था बस, और किसी का नहीं आया। ठीक है, मेरे को एक बार होमवर्क वाली शीट ग्रुप में शेयर करो। हाँ सर करता हूँ। कर देना बच्चे। ये लोकेश कौन है बच्चे? लोकेश? यस सर। लोकेश कौन बच्चे? आपने किस नाम बच्चे, कौन हो आप?